भाई हमारी जर्नी जो कल स्टार्ट हुई थी, आज रात आपने देखा कि हमने यहाँ पर थलाइपुर रेलवे स्टेशन पर कैंपिंग किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो अपने दो भाई हैं यार, मिलके मतलब क्या ही मज़ा आया यार। दीपक भाई, हाय ब्रो। अनुराग सिंह, अनुराग सिंह नाम है हमारा। तो भाई लोग कभी चैनल जाके, तो गाइस अगर आप लोग इन भैया का वीडियो देख रहे हैं तो इनका शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर दबा के मारो और हमें भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। नाम है डीप एक्सप्लोर, अगर आप सर्च करते हैं पंजाब टू कन्याकुमारी, मैं लिंक डाल दूंगा। हाँ, लिंक डाल देंगे भाई। और भाई का भी, और मुझे भी चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बैठे थे और मतलब अंकल लोग मिल गए, अरे भाई लोग मिल गए, फोटो वोटो खिंच पा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज तीनों ट्रैवल कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये अंकल लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं अपन लोग, बोलते बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर बैठे हुए थे और ये अंकल हमारे लिए देखो पानी लेके आए, थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स। और बिस्किट बिस्किट भाई यार, इतना दिल खुश हो गया रियली, मतलब इतने अच्छे लोग, रियली नाइस टू मीट यू ऑल। भाई बिस्किट तीनों को यार, ये तो ऐसा लग रहा है वो नवरात्रों में जैसे कंज का पूजते हैं ना, वैसा टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा है। बहुत अच्छा लगा यार इन लोग से मिलके सच में। ये दीप भाई का न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तमिल में क्या है कैसा है, तो इनको न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं। बड़ा सही है यार, मजा आ रहा है आज ना सच में, मेरे को सच में बता रहा हूँ बहुत पॉजिटिविटी आ रही है दोनों भाइयों को देख के। और ऐसा तमिलनाडु का ये जगह, अब यहाँ से अपन तिरुनल वैली रे जो सिटी है उसके अंदर घुसने वाले, रख दिया अपन। ये भजिया खाया जा रहा है, क्या है तमिलनाडु का, क्या है यार बड़ा है ये, 6 रुपए का एक बड़ा है और मतलब 12 रुपए के दो, मतलब 36 रुपए का बड़ा खा रहे हैं। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज हम लोग। तो भाई यहाँ पर फिर से ये सेंधवा से भैया ड्राइवर मिले हैं, मांगी लाल जी, आपका नाम? रविंद्र चौहान जी। तो रास्ते पे चल रहे थे और बातचीत हो रही है, सब्सक्राइब करवा रहे, बहुत लालची आदमी है। आपको भी मिलके मजा आ रहा है, क्या कि अपने उधर के हिंदी वाले मिले हैं ना, तो मजा आ रहा है। इधर मिलते नहीं है कि उधर जो इधर की भाषा भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अपन हिंदी वाले होते हैं तो मजा आता है। अच्छा लग रहा है इन लोगों से मिलके। ये ट्रक ड्राइवर है भाई साहब, ट्रक व्रक लेके आए हैं, तो ये लोग भी शायद कन्याकुमारी जाएंगे। अपन दीप भाई लोग के साथ चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार आज। तो भाई साहब ये अपना छत्र निकाला जा रहा है जिससे लिफ्ट मिल जाती है आसानी से, ये है लिफ्ट प्लीज मुसाफिर सोमेंगे। और ये बहुत बड़ा अस्त्र है भैया, अगर आप लिफ्ट लेना चाहते हैं तो ऐसा कुछ बनवा लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। तो चलिए अब लिफ्ट मांगेंगे अपन यहाँ से कन्याकुमारी तक। हम दोनों लोग लिफ्ट मांगने वाले हैं, लिफ्ट मांग के हम दोनों लोग जाने वाले हैं कन्याकुमारी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस। तो भाई अब यहाँ से लिफ्ट मांगते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और दीपक भाई को अब चलने में डिस्टरबेंस ना हो, सीधा भाई एकदम हल्का हो गया। अब सीधा मिलेंगे अपन कन्याकुमारी में, चलो छोटू ट्रैवलर। How much kilometer? यहाँ से 100 किलोमीटर है कन्याकुमारी और हम लोग यहाँ से हिचहाइकिंग कर रहे हैं, मैं और सुमेश भाई। तो जिन लोगों को लगता है हिचहाइकिंग बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल है भाई, करके देखो एक बार तो मालूम चलेगा ट्रेवलर की लाइफ कैसी होती है, जब आप करेंगे निकलेंगे बाहर तब मालूम चलता है। तो इस वक्त हम हाईवे पे हैं और यहाँ से हिचहाइकिंग कर रहे हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर है कन्याकुमारी, अब वहाँ के लिए कोई लिफ्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हे गाइस देखिए अभी एक ट्रक खड़ा हुआ है और अभी हम उनसे पूछते हैं क्या वो कन्याकुमारी जाएंगे और क्या वो हमें लिफ्ट देंगे। देखिए सुमेश भाई जा रहे हैं पूछने। भाई दूसरी जगह जा रहे हैं। तो भाई साहब आज दिन की पहली लिफ्ट मिल चुकी है अपने छोटू ट्रैवलर भाई को, हमने आगे बिठा दिया, ये हमारा बोरिया बिस्तरा और पिकअप में जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे चौक तक जाएंगे, चौक से फिर कन्याकुमारी के लिए दूसरी लिफ्ट।
मौसम आज बहुत बेईमान हो गया, मतलब बहुत मजा आ रहा है। पसीने से जो हालत खराब हुई है ना, अभी हवा पड़ने पे सूख रहा है वो पसीना, और बहुत ठंडा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है भाई। चलो पिछली बार जब गए थे साला रात को गुजरे थे इधर, कुछ समझ ही नहीं आया था कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है। आज दिन को गुजर रहे हैं इधर से, तिरुनल वैली से। भाई ये हाइकिंग के मजे यार, मजा आता है। और अभी जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो ये है भाई साहब जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, और भाई आगे तक छोड़ दिया यार, और अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आगे तक छोड़ेंगे। सिकरी अलग है, सिकरी अलग है, कानपुर वाला फतेहपुर अलग है, फतेहपुर अलग है। अच्छा, वो मैं फतेहपुर सिकरी में भी, वो जो फोर्ट है ना, फोर्ट में भी गया मैं, कुमापुरा। अच्छा, फतेहपुर सिकरी का जो फोर्ट है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि दिल्ली में रहे हैं 5 साल, और पूरा नॉर्थ इंडिया इसी के कारण से इनको हिंदी आती है, वरना तो हिंदी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। पूरा तमिल के अलावा कुछ नहीं जानते, इधर तमिल में ही बात करते हैं। आप लोग इधर तमिलनाडु के अंदर कितने दिन से घूम रहे हैं? इधर से आया मैं, तेंकाशी से। आप कुटाला गया? मैं उधर नहीं गया, मैं छोड़ दिया यार। हमने बांस के जो फॉल्स है, झरना मेरे को एक्चुअली ये भाई लोग आ रहे हैं ना, तो इनसे मिलना है। 5 किलोमीटर। ओके बहुत बढ़िया लगता है। तो भाई दिस ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट द पीपल एंड एक्सपीरियंस, और उसी का उदाहरण है मोहम्मद भाई। मतलब यार इतने प्यारे लोग हैं ना, सोचो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मतलब ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सोच सकते हो हमारा भारत देश जो है कितना अच्छा है, और लोग कितने बेहतरीन है और वेलकमिंग माइंडसेट के हैं। तो भाई अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इंडिया में बहुत सही है, तो बस आइए और हर स्टेट में एक यूनिक चीज़ मिलेगी, ये चीज़ है। तो जो है ना सर, हम लोग पहला इंडियन है, उसके बाद में तो पहला तो मैं इंडियन हूँ, बाद में मुस्लिम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इधर ही जन्म हुआ ना, ये बोलना चाहिए आई एम मुस्लिम बट प्राउड इंडियन। प्राउड इंडियन, यही है, डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया ब्यूटीफुल। और जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब देख रहे हो आप लोग फील कर रहे हैं उस चीज़ को, और भाई नहीं अल्टीमेट होता है जब आप लोकल से कांटेक्ट करोगे ना भाई। मतलब इन्होंने लिफ्ट दी, प्लस यहाँ पर अभी बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ में इन्होंने चाय ऑफर करी, तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मोहम्मद भाई ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वेलकम, धन्यवाद। ओके थैंक यू। चलो तो मोहम्मद भाई को कर दिया हमने बाय। तो भैया मुसाफिर की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि इतने भी अच्छे रिश्ते बन जाएं आपके, छोड़ना पड़ता है। तो मोहम्मद भाई बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, लेकिन फिर से हमें आगे जाना है कन्याकुमारी के लिए, एक बार फिर से संघर्ष स्टार्ट। तो भाई लिफ्ट नहीं देनी ठीक है यार, एकदम गंदे से घूरो तो मत कम से कम। एक अंकल ट्रक वाले ऐसा घूर के गए जैसे खा जाऊंगा मैं, बोला ठीक है भैया माफी। गाइस देखिए अभी एक डंपर गाड़ी रुकी है, और सुमेश भाई भाग के गए हैं भाई वहाँ उनसे पूछने के लिए। थोड़ा खंबे की आड़ पड़ रही है यार, कोई नहीं, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं गाड़ी वाले से, अगर बात बन गई तो यहाँ से कन्याकुमारी निकल जाएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा यार सच में, कहीं के लिए भी मिल जाए। ये देखिए भागते हुए आ रहे हैं, कमाल का बंदा है सच में यार भाई, बहुत मेहनत करता है बंदा, बहुत ही ज़्यादा। ओ वाह, एक गाइस फाइनली एक डंपर गाड़ी में हमें 5 किलोमीटर की चेकिंग मिल गई है भाई, और भी भाग के चल रहे हैं हम। ओ माय गॉड, आज कुछ ज़्यादा वजन हो गया यार मेरा, ये देखो ये सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है भाई, अगर नहीं चलेंगे लेके तो रात को सोएंगे कहाँ। तो ये देखिए भाई साहब को देखिए, ये देखिए वाह, मुसाफिर भाई पहले चढ़ रहे हैं, थैंक यू। ये भाई साहब टेल योर नेम, सुनलाइकन। तो भाई साहब ये नाम है इनका, चलो आ जा भैया, आ जा तू आ जा कम।
वी हैव सो मच लगेज। तो भाई साहब वहाँ पर बैठे बैठे ऐसा हमारा हालत हो गया था और अच्छा लग रहा था, मतलब छाव में ऐसा दिक्कत नहीं था, लेकिन भाई साहब ने हमें लिफ्ट दिया यार, थैंक यू सो मच। और आगे 5-7 किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो वहाँ तक हमने बोला वहाँ तक ही ले चलो, क्योंकि वहाँ से हाईवे स्टार्ट होगा, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है, वहाँ से गाड़ी अपने को मिलना ईजी हो जाएगा। तो बस अनुराग बाबा और मज़ा आ रहा है, ये चेकिंग करके मज़ा आता है भाई साहब, सच में टफ भी है इजी भी है, ऐसी बात नहीं है। चलो मिलते हैं आगे। ट्रैवलिंग ऑल द इंडिया लाइक बिफोर दिस 1.5 मंथ आई एम इन केरला, केरला होल कवर्ड, 14 डिस्ट्रिक्ट। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। भैया भारत के सबसे लंबे हाईवे में, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले हाईवे में, हाईवे नंबर 44, और एक बार फिर से यहाँ से जाते हुए, पिछली बार आए थे बाबा जी के साथ और अब जा रहे हैं अनुराग भाई के साथ, और पीछे अपने दीपक भैया आ रहे हैं। तो मतलब ये हाईवे हमको बार बार मतलब बुलाता है यार, और यहाँ से मैं बाइक भी चला के गया था जम्मू तक, तो मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस हाईवे से, और सच में मतलब भारत को पैर से सिर तक जोड़ता है ये हाईवे। ओके अन्ना, थैंक यू सो मच। तो भाई अब उतर रहे हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके। तो भाई 5-7 किलोमीटर की जो लिफ्ट मिली थी वो अब यहाँ फिनिश हो गई है, अपने सोमेश भैया नीचे उतर रहे हैं, ट्रक वाले भैया का थैंक यू सो मच। वाओ भाई मजा आ गया यार भैया से बात करके, मुसाफिर होना कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है भैया। भाई साहब बड़ी खतरनाक हिचकिंग करते हैं भाई सुमेश भाई, चाहे वो लग्जरी कार हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बाइक हो। गाइस ऐसा लगता है कि फिर से एक लिफ्ट मिल गई है, और प्याज वाली गाड़ी है भाई, उसमें कांधा लदा हुआ है, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भाई साहब, ओह माय गॉड, ओ यार पहली बार मैं इतना भारी सामान लेके भाग रहा हूँ यार, सच में अभी तक पैदल चल चल के थक गया था यार। तो मज़ा आ रहा है ये चेकिंग करने में सच में यार। ये देखिए सुमेश भाई को देखिए, मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, क्या बात है यार। थैंक यू सो मच, ऑल इंडिया जर्नी कर रहे भाई साहब, फाइनली एक लिफ्ट और मिल गई है, ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा कि कितने किलोमीटर की मिली है। प्याज लदा है इस ट्रक में, देख लो ये कांधा बोलते हैं ना गुजराती भाषा में इसे। व्हाट्स योर गुड नेम? विशाल। सो विशाल भैया ने हमें लिफ्ट दी है भैया आगे तक, आ जाओ छोटू ट्रैवलर, इसे एडजस्ट करो, आ जाओ यार। तो ये है विशाल भैया और ये मेरे नेटिव है कन्याकुमारी। ओके, बहुत कुछ जगह ऐसे हमको घूमने के लिए। ओके, वाटरफॉल से हां बहुत बड़ा जो भी है 10th सेंचुरी सिंगल रॉक अभी यहाँ से कन्याकुमारी लगभग 20 से 30 किलोमीटर है, और अपन अपना बोरिया बिस्तरा लेके उतर चुके हैं, और पूरा यार मतलब एक ट्रॉली भर के सामान है अपने पास, और फिर भी लोग लिफ्ट दे रहे हैं, तो मतलब मायने रखता है ये, अपना अचीवमेंट नहीं मानूंगा मैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक दूसरे की मदद, तो वो है भाई ये, और मज़ा आता है यार। पीछे विशाल सर मिले, बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये पीछे देख लो, ये वाला बोर्ड क्या लिखा है, ये कवल किनारू, तो किनारू किनारू से हम भी
सीधा किनारों पर पहुंच रहे हैं और बाल भाई बहुत उड़ रहे हैं। चलो अब लिफ्ट के लिए देखते हैं आगे। मजा आ रहा है यही तो चाहिए लाइफ में। क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए। हे गाइस, ओ माय गॉड, स्पेशली गाड़ी रुकी है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब यहाँ से हम लोग कन्याकुमारी बहुत ही इजीली तरीके से पहुँच जाएंगे। मज़ा आ गया। तो ये लो, इसको भी फेंक दो। हाँ, इनका ये खाने पीने वाला सामान रख दो। ये लो, हाँ ये वाला डाल दो। ये भी आएगा क्या? ये भी पकड़ो, डाल दो साहब। वाओ, आप लिख दे। ओके ओके, व्हाट्स योर गुड नेम सर? रमेश। रमेश, एंड मैम? रेनी। रेनी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लिफ्ट, रियली थैंक्स। भैया ने हमें कार में लिफ्ट दिया है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू कन्याकुमारी। या यू आर आल्सो गोइंग कन्याकुमारी? ओके भाई, सर लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और हमने सबका, जितने भी अपने भाई बंधु हैं सबका यूट्यूबर चैनल जो सब्सक्राइब कर दिया और कन्याकुमारी तक जा रहे हैं यार। आहो अनुराग भैया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। भैया ने हमें लिफ्ट दिया कार में और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी लोगों के जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है रास्ते में। बहुत ही ज़्यादा, सच में इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिलने लगते ना तो बहुत खुशी होती है कि मजा आ जाता है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। जब आप रोड्स पे निकलो और मतलब छोटी सी भी अगर इंटरेक्शन भी करता है ना कोई आके, तो वो चीजें ना दिल को छू जाती हैं भाई। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कन्याकुमारी फाइनली पहुंच रहे हैं एक बार फिर से। लाइक आई नो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, डोगरी एंड लिटिल बिट ऑफ बंगाली ऑल्सो, and my place Chhattisgarh, that Chhattisgarhi language, it's a state itself between Odisha and Madhya Pradesh, in between there's a state called Chhattisgarh. Bhaiya, to bhaiya pura ashram tak chhodne aaye the andar tak. Bye bye. Hello sir. Hello. Room, dormitory. Came from Chhattisgarh traveling. हिंदी? ये रूम चाहिए था इधर, वो 100 rupees वाला। तो भाई विवेकानंद आश्रम जो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कन्याकुमारी में यहाँ पर रुका था। नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद आश्रम है जहाँ पर 3-bed room है, वहाँ पर 100 rupees में आप रुक सकते हैं। तो भाई अभी जब आया तो सब ऑनलाइन बुकिंग हो गया और अब हम पड़ गए हैं बहुत बड़े असमंजस में। करें तो करें क्या, कहते हैं ना अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ नेगेटिव होना बहुत कम चांसेस हैं। अपन पॉजिटिविटी के साथ बैठे हुए थे आश्रम में, रूम्स तो मतलब नहीं है, लेकिन सर ने हमें एक जगह बताई और वहाँ पर भैया फ्री में रुक सकते हैं। अब वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या प्रबंध, फ्री वाला जो सिस्टम है अपने को सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी तो फिर यही बोझा 40 kilo का अपना लाद के 1 kilometer दूर जाना भैया। तो यार हम सोच रहे थे बढ़िया फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, उसके बाद घूमने निकलेंगे, लेकिन अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं। चलो, इसी का तो नाम है ज़िंदगी और 500 days अक्रॉस द इंडिया। तो भैया ये पीछे एक अम्मा की शॉप है, वहाँ से मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप का पुट्टू, यार ऐसा पुट्टू मैंने नहीं देखा है, तो ये ट्राई कर रहे हैं। और नारियल का बना हुआ है ना? नारियल का है और 20 rupees दिया हुई है इसके लिए, 20 rupees प्राइस है भाई। और ये 2 piece लिए हैं नारियल का बना हुआ, पहले इसे टेस्ट करते हैं कैसा स्वाद है, उसके बाद फिर और लेंगे और खाएंगे अच्छे से। तो मज़ा आ रहा है इसमें खाने में, कैसा लग रहा है? ठीक है, वेलकम टू विवेकानंद। यहाँ से तो अभी फिलहाल विदाई ले रहे हैं क्योंकि रूम्स नहीं है यहाँ पर, और जा रहे हैं भारत सेवा केंद्र। तो भाई साहब हम लोग जब पिछली बार आए थे तो ये होटल अफजल है और यहाँ पर हमने चिकन बिरयानी खाई थी, तो बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला था। तो दोबारा से आए हैं इस होटल में और टेस्ट करके बताते हैं फिर से आपको कि कैसा है बिरयानी यहाँ का। उस टाइम वीडियो शायद नहीं बना पाए थे, याद नहीं आ रहा, तो इस बार आपको रिप्लाई देते हैं हम। और ये है इस होटल के ओनर और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं यार। पिछली बार जब आए थे तो
इंटरेक्शन नहीं हुआ था हमारा, और इस बार इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन पहचान गया मेरे को ये। ये हैं काका, हाँ इन्होंने पिछली बार हमको सर्व करा था, और इस बार देखते ही बोलते हैं कि 2 महीने पहले आए थे तुम। हमने ये एक ही प्लेट बिरयानी मंगाया है क्योंकि बिरयानी खाने का मन कर रहा था यार, और पहले खा लेते हैं, कम पड़ा तो दूसरा देखेंगे। तो भाई साहब अफजल भाई के यहाँ खाना खाया और वो स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 रुपये का था, 140 रुपये का था जो भी हमने खाना खाया, और बोलते 100 रुपया दो, आप हमारे अब परमानेंट कस्टमर हो, तो ये बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं, ये कमरा है, पीछे हमने सामान वामान रख दिया है। भारत सेवा आश्रम संघ करके एक आश्रम है तमिलनाडु में, लोकेशन इसका मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ पर है एक्चुअली, और भारत सेवा आश्रम संघ करके अगर आप डालते हैं गूगल पे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है यहाँ पर, और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा आपका उसी से पूरा आश्रम चलता है। तो अगर आप जितना आपका बनता है आप जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता। तो हमने 2 दिन के लिए ये कमरा ले लिया, बहुत छोटा सा कमरा है, 3 लोग आ जाएंगे, अभी 2 लोग का नाम हमने लिखवाया है, एक साथी हमारे आ रहे हैं। तो बस बहुत लंबी हो गई वीडियो, और जो भी कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे उसकी वीडियो आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।